डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री में पार्ट टू देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम आज एक्सरसाइज 9.1 के थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसके रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारे जो क्वेश्चन भी अवेलेबल है हमारी इस चैप्टर के लिए हमारे प्ले लिस्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के। और आपने जो हमारा पास्ट वीडियो है, जो एग्जांपल हमने सोल्व किया था, वो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो वो पहले देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। क्या सर्कस का जो आर्टिस्ट यानी कि जोकर है वो क्या करता है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है उसके ऊपर लटक के कुछ कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल ए बी है, उसके यहाँ पे उसने क्या रोप है, दोरड़ा है, उसने जोकर ने क्या यहाँ पे बांध कर रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है वो इसने पोल के साथ बांधा हुआ है, ये भी पोल है उसके साथ बांधा हुआ है, तो हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज अ 20 डिग्री, क्या ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इन द फिगर, फिगर के अंदर ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल। क्या इन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल एंड AC is equal to 20 meter. AC is equal to कितना दिया, 20 meter given है. Is the length of the rope. Okay. And which is tied the top of the pole to the ground at a C. क्या जो A से C तक यहाँ पे ground में sea level sea point तक पहुँचता है, तो which is tied from the top of the pole to the ground at a C, the ground एट पॉइंट सी तक उसको लंबा कर रखा हुआ है। तो हाइट ऑफ द पोल, यहाँ पे हम क्या साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे कि ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है, एंगल हमें गिवन है, तो साइन 30 क्या होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन ए सी। आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे क्या होगा, ए बी यानी कि साइन 30 यानी कि क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और ए सी है वो कितना है, 20 है, तो 20 सामने जाएगा, तो 20/2 इज इक्वल टू ए बी, तो आपको फाइनल ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए बी इज इक्वल 20/2 यानी कि 10 मीटर मिलेगा, कितना मिलेगा 10 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द पोल, हेंस द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल कितनी है, 10 मीटर हमें आंसर मिला। ओके, फाइनली आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना जरूर है क्योंकि हाफ मार्क इसका रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। अभी जो बारिश का सीजन होती है, तो बारिश की सीजन की वजह से क्या होगा कि एक पेड़ है इस तरह से, और यहाँ से स्टॉर्म तूफान आता है, क्या आता है, तो तूफान आता है।
यहाँ पे जो तूफान आएगा तो क्या होगा कि पेड़ है वो यहाँ से टूट कर यहाँ पे इस तरह से नीचे गिरेगा, और इस तरह से क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ए बी ए सी और ए सी और सी डैश दोनों क्या हो गए, सेम ही लेंथ के हो गए ना, ए ए सी और ए सी डैश दोनों सेम ही हो गए। ओके, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि बी से सी का डिस्टेंस वो कितना है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री तो हाइट क्या होगा, ए बी प्लस ए सी होगा। ओके, और वो कितना एंगल यहाँ पे बनाता है, 30 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी डैश। बी सी डैश यानी कि क्या होगा, बी सी डैश यानी कि ए बी प्लस ए सी डैश, और क्या होगा, ए सी डैश इज इक्वल टू ए सी होगा। ओके, हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, ए बी भी फाइंड आउट करना है और ए सी भी हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे एंगल है, एंगल कितना दिया है, 31 है। ओके, और बी सी, बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर इन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन, सॉरी साइन 30 नहीं, क्या 10 30 यूज करेंगे, 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होगा। ओके, हमारे पास बी सी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू नहीं है, ए बी और यहाँ पे बी सी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 है, यहाँ पे 10 30 यानी कि 1/√3। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 8/√3 मीटर। ओके, अब ए सी, ए सी यानी कि हम हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, साइन का यूज करेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा। तो ए बी अपॉन ए सी, हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं है, क्या यहाँ पे 1/2, ए बी की वैल्यू क्या है, 8/√3 मिला है, और ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं, ए सी इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू 8 × 2 तो कितना होगा, 16/√3 होगा। ओके, अब आपके पास क्या करना है, यहाँ पे जो आपको नंबर है कि हाइट मेजर करनी है, 10 30 एक मिनट, द ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रेक डाउन बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30। ओके विथ इट, तो यहाँ पे आप दोनों का सम कर देते हैं, ए सी इज इक्वल टू 8√3 प्लस 16√3। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, √3 √3 है, तो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो न्यूमरेटर का सम करेंगे तो क्या होगा कि 8 + 6 = 24√3। 24 यानी कि क्या होता है, 8 3 = √3। 3 यानी कि क्या होता है, √3 का स्क्वायर होगा, क्या लिख सकते हैं, 8 × √3 × √3 / √3 √3 √3 कट हो गया तो क्या होगा, 8√3। क्या 8√3 एम ए हाइट ऑफ द ट्री मिली, तो लिखेंगे फाइनली द हेंस एच आई जेस्ट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, समझ में आया, नहीं कोई भी डाउट हो रहा है तो आप एक बार रिवाइज करके देख सकते हो, यहाँ पे भी मीटर लिखेंगे,
जो मेन चीज तो आप लोगों ने वो दोनों चीज फाइंड आउट कर ली, बाद में यहाँ पे एडिशन करना था तो यहाँ पे 24 अपॉन रूट थ्री किया, 24 यानी कि क्या होता है 8 रूट थ्री होता है, सॉरी 8 इंटू थ्री होता है, 8 थ्री 24 होता है, तो 3 यानी कि क्या होता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते, तो रूट थ्री कट हो गए तो आंसर क्या बचेगा 8 रूट थ्री। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल अ टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। क्या दो जो स्लाइड है ना लसर पटीएम कहते हैं वो रखना चाहता है जिस पे वो स्लाइड कर सकते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द फायर से जो बिलो है शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड वॉज टॉप, वो क्या ऊपर से टॉप इज एट द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर। कितने हाइट से 1.5 मीटर हाइट रखना चाहता है। सपोज कि यहाँ पे स्लाइड है तो यहाँ पे इस तरह से स्लाइड है हमारी, तो उसकी हाइट कितना रखना चाहता है 1.5 किसके लिए जो बिलो फायर है उसके लिए। ओके 1.5 मीटर एंड इट इंक्लाइड एट द एंगल 30 टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन और बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ द 33 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए जो बनाना चाहते हैं उसमें कितने 3 मीटर, और एंड द इंक्लाइन एंगल एट द ग्राउंड के साथ कितना एंगल रखवाना चाहता है वो उसमें 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे हम ए बी सी और ए पी क्यू आर, स्लाइड क्या है ए हमारी स्लाइड है, ए सी यहाँ पे स्लाइड है और यहाँ पे हमें पी क्यू वो पी आर वो स्लाइड है। ओके दोनों केस में हम स्लाइड की लेंथ मेजर करने के लिए तो फोर इन राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के लिए, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा साइन 30 इज इक्वल टू, हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड आउट करना है, ऐसे फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस की क्या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 और यहाँ पे ए बी की वैल्यू यहाँ पे 1.5 है और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो ए सी इस साइड आएगा, ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 करोगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 मीटर मिलेगा। ओके और जो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाइए इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए साइन आर साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी साइन 60 की वैल्यू क्या होगी रूट थ्री अपॉन टू, और पी क्यू की वैल्यू होगी 3 मीटर और पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो पी आर इस साइड आएगा तो क्या होगा पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 है वो सामने की साइड मल्टीप्लीकेशन जो है 3 ऊपर है तो वो नीचे जाएगा रूट 3, तो क्या होगा यहाँ पे इन दोनों 3 यानी कि मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में दिखाया क्या है रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, तो रूट 3 एक रूट 3 कट हो गया तो क्या आंसर आएगा 2 रूट 3 मीटर, तो पी आर इज इक्वल 2 रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 की वैल्यू 1.7273, तो 1.2 इंटू 1.73 करोगे तो कितना होगा 3.46 मीटर। तो कौन से केस में स्लाइड है वो लॉन्ग है, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ फॉर द अबो फायर वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड है वो क्या होगी लॉन्ग होगी, और आपको तो सिर्फ कहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ, तो हर एक स्लाइड की आपने लेंथ यहाँ पे कहनी है, तो लेंथ फॉर द स्लाइड ईच इन द केस यहाँ पे लिख लो आंसर। हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस
आर 3 मीटर, एन 2√3 मीटर, और इसको हम और करके क्या लिख सकते हैं 3.46 मीटर। ओके अंडरस्टैंड, समझ में है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कहा है यहाँ पे टावर ए बी है, उससे कितना मीटर, 30 मीटर अवे, यहाँ पे सी पॉइंट 30 मीटर अवे है, और वो टावर की टॉप के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, ए बी क्या हाइट ऑफ द टावर विच स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, विच स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, जो आपको क्वेश्चन में दे उसी बेट लिखेंगे। एंड लेट सी बी द पॉइंट, सी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना 30 मीटर दूर है, 30 मीटर ऑफ द फुट ऑफ द टावर, सॉरी 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके और एंगल है वो कितना है, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी इज इक्वल टू कितना है, 30 मीटर है, और यहाँ पे भी आपको 30 मीटर गिवन है। ओके तो 4 इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर साइन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेंगे, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट वाला फॉर्मूला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला कौन सा है, 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, 10 30 ए बी की वैल्यू आपके पास नहीं है, 10 30 की 1/√3, ए बी की वैल्यू ए बी बी सी की वैल्यू 30, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 30/√3। के यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई सामने के साइड डिवीजन में हो जाए, सॉरी यहाँ पे डिवीजन सामने के साइड तो मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, 30 यानी कि क्या होता है 3 × 10 × 3 यानी कि क्या हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले 3/√3 यानी कि क्या लिख सकते हैं, 10 × √3 × √3/√3 कट होगा, क्या आएगा 10√3 आंसर मीटर, इतना आंसर आएगा। हेंस हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे फाइनल में लिखना है आपको नीचे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज कितनी है 10√3, 10√3 यानी कि कितना होता है 17.3 मीटर होती है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, पतंग है वो कितना 60 मीटर अबोव द ग्राउंड उड़ रहा है, यहाँ पे सपोज पतंग है वो 60 मीटर अबोव द ग्राउंड उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे से काइट को फ्लाइंग करवा रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है दोरी है वो कैसी है स्ट्रेट, वरना क्या जैसे दोरी ऐसे थोड़ी बेंड होती है, वो क्या आती है ना कर्व होते हुए, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो स्ट्रिंग है दोरी का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है,
find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये slack यहाँ पे नहीं, ऐसा हम assume करना है. फिर कितना degree? 60 degree angle बनता है. तो हमें क्या ये height, ये string की length measure करनी है. A, B, C. ओके, हमें AC की value find out करनी है. तो first of all, let A be the point, A be the position of the kite and AC be the length of the string. AC है वो क्या है? AC be the length of string. डोरी की लंबाई which make an angle कितने एंगल बनाती है? ऑफ 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 60 डिग्री बनाते हैं. तो द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना ऊपर है? 60 मीटर है. ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर. ओके, अब हम क्या करना है? इन द राइट एंगल ट्राइंगल अब सिंपली कैलकुलेशन. ABC के अंदर क्या होगा? हमें AC फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. तो 10 साइन 60 यूज करेंगे. साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा? AB ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. तो एसी को यहाँ पे ए बी 60 यानी कि कितना आता है? सॉरी, साइन 60 यानी कि √3/2. AB की वैल्यू क्या है? 60. और AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना. तो AC को सब्जेक्ट बना, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा कि 60 × 2/√3. 60 यानी कि क्या होगा? 20 × 3/2. 3 यानी कि क्या होता है? √3 × √3 / 3 √3. तो यहाँ पे 3 को कट करोगे तो क्या √3 × √3 लिखा है, और √3 कट हो जाए तो 22 जा कितना होता है? 40 √3 मीटर. ये किसका होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है लेकिन आपको समझना जरूरी है. हेंस नीचे लिखना है, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 40√3 meter. Okay, understand? Next question देखते हैं हम. Example number, question number 6. If a 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from the 30 meter tall building, क्या? यहाँ पे एक 30 meter tall building है. AB और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है एंड कितना 1.5 मीटर टॉल बॉय कितना 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंड एट सम डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द मीटर टॉल बिल्डिंग क्या थोड़े डिस्टेंस पर ना 1. यानी कि CD बॉय की हाइट है 1.5, वो इतना दूर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60. पहले कितना था? यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं. पहले CD EF तो पहले कितना एंगल था? यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाता था, वो कम होकर कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है. कितना हो जाए? 1 मीटर टॉल बिल्डिंग है,
यहाँ पे टोटल 30 मीटर है, 30 मीटर में से यहाँ पे 1.5 मीटर कम कर देंगे तो कितना होगा, 28.5 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। ओके एंड एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ जाता है यानी कि ई पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव हो रहा है, कहाँ से ई पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक द बिल्डिंग, यानी कि आपको क्या इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कितना डिस्टेंस उसने वो चला है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, वो एक्स लेते हैं सॉरी ई एंड सी, कितना एक्स लेते हैं एंड सी एंड यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, अभी यहाँ पे क्या जी देते हैं, ओके आप अपने तरीके से कोई भी वैल्यू, और यहाँ पे क्या इसको वाई कहते हैं। ओके इस ई से सी तक का डिस्टेंस वो एक्स है और सी से जी तक का डिस्टेंस वो कितना है वाई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे जो हमें गिवन है, ए बी, ए बी इज, ए बी इज इक्वल टू, लेट ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके 30 मीटर क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ओके नेक्स्ट एन डी सी, यहाँ पे जो सी डी या तो डी सी हमने लिया, सी डी इज द इज इक्वल टू 1.5 मीटर विद द हाइट ऑफ द बॉय, विद द हाइट ऑफ बॉय। ओके डी बी द पॉइंट, डी बी द, यहाँ पे हमने सी है वो क्या लिया है आई द बॉय, क्या सी है वो सी विद फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके हम यहाँ पे पहले ये कर लेते चेंज कर लेते, यहाँ पे क्या कर देते सी डी और यहाँ पे ई एफ, क्योंकि यहाँ पहले इस पोजीशन में ना है तो सी विद आई ऑफ बॉय, सी है वो क्या है बॉय के आई है उसकी पोजीशन दिखा रहा है कि सी बी द आईज ऑफ बॉय। अब आपको क्या है यहाँ पे वो कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री एंगल बनाता है उसके साथ। ओके एंगल और एक जो वन मोर इम्पोर्टेंट चीज कि जो अब उसके लिए तो जो कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ तक ही करना होगा क्योंकि वो एंगल बनाते हैं तो इस लाइन से बनाता है, तो ए जी, ए जी इज इक्वल टू क्या लिए, ए जी इज इक्वल टू ए बी माइनस, ए बी माइनस या पे एक चीज पहले लिख लो कि सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू बी जी, सब कितना है 1.5 मीटर क्या है वो सब पैरेलल है, पैरेलल लाइन। ओके तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं कि ए जी, ए जी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी माइनस बी जी, तो कितना होगा ए बी यानी कि 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर होगा। ओके अब क्या करते हैं हमें ये टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें एक्स की एग्जैक्टली हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन x और y की पहले दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस के लिए हम पहले किसका e के लिए फाइंड आउट करते हैं, फॉर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सा ए GE, AGE के लिए क्या होगा 1060 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, 1060 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है AG अपॉन EG,
तो ए टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री इज इक्वल टू, ए जी की वैल्यू आपके पास 28.5 है, ई जी की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो ई जी इज इक्वल टू क्या होगा, ई जी इज इक्वल टू 28.5 माइनस अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे मल्टीप्लिक ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आएगा। ओके अब यहाँ पे आपको ये वाई की वैल्यू मिल गई कितनी है, ई जी इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू कितना है 28.5 अपॉन रूट थ्री मीटर। अब नेक्स्ट क्या 10 6 30 यूज करते, 10 30 यानी कि क्या होगा, ए जी अपॉन सी जी, और सी जी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, क्या होगा 10 30 यानी कि 1 अपॉन रूट थ्री। यहाँ पे ए जी की वैल्यू क्या है 28.5 और सी जी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली 28.5 अपॉन रूट थ्री मिला है। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये पूरा टर्म है इस साइड आ जाएगा, तो x प्लस 28.5 यहाँ पे रूट थ्री है इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू सामने की साइड रूट थ्री, यहाँ पे डिनोमीटर हो सामने की साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाए मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या है 28.5। अब यहाँ पे जो थ्री रूट थ्री है और रूट थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, या तो हम डायरेक्टली सामने के साइड भी जाने दे सकते, तो सामने साइड ही जाने देते, तो x इज इक्वल टू क्या होगा कि 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 रूट थ्री, तो यहाँ पे रूट थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 28 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा, क्या होगा 28.5 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू मैं यहाँ पे साइड यहाँ पे ऊपर से लिखता हूँ x इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। ओके यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 into 28.5 माइनस 28.5 करोगे तो क्या होगा 2 into 28.5 बचेगा, क्योंकि 3 है 3 में से दो एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है रूट थ्री है। ओके अब जो ये आपके पास रूट थ्री है उसका आपको क्या करना है कि उसको पहले ऐसा है तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 into इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into 28.5 है तो 28 का डबल क्या होगा 56, क्या होगा 56, और वो 5 का क्या होता है 0.5 का 1 होता है, तो 57 अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब एल रूट थ्री के साथ रेशनलाइजेशन कर देते, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर देते हैं तो क्या होगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 57 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 19 मिलेगा, क्या मिलेगा तो 19 रूट थ्री मीटर। क्या जो बॉय ने ट्रैवल किया, जो वॉक करके आया है, जो उसने वॉकिंग किया है, तो सी टू ई डिस्टेंस वो कितना है 19 रूट थ्री है। हेंस अब फाइनली लिखना है आपको, तो लिखो मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ, हेंस The distance he walked towards the building toward the building is 19 root 3 meter. Okay, understand? Question बहुत interested था और आपको समझने की भी जरूरत थी, okay? I hope you understand why. और यहाँ पे हमने कोई long calculation या तो ऐसा जो difficult हुआ ऐसा कोई नहीं कि हमने simple procedure के through चले, इसलिए आपको समझ में तो आ ही गया होगा, okay? Next question देखते हैं, question number 7 क्या है, from a point on a ground, ground के एक point से the angle of elevation of the bottom and the top of the
transmission of a tower fixed at the top of the 20 meter high building are 45 and 60. क्या यहाँ पे क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, पहले एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना दो ए बी, ओके ए बी आप हाई बिल्डिंग बना दो और यहाँ पे कितना है कोई पॉइंट, ओके यहाँ पे पहले आपको क्या कहे, ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि हमने ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली, उसके ऊपर क्या लगाया उसने टावर है, यहाँ पे ए बी जो बिल्डिंग है यहाँ पे मैं थोड़ा शेप दे देता हूँ बिल्डिंग, और उसके ऊपर हमने क्या लगाया टावर लगाया, क्या है ए सी, ए सी है वो क्या है टावर, उसमें जो ए पॉइंट है वो क्या है बॉटम ऑफ द टावर है, और सी है वो क्या है टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप पॉइंट क्या है सी है और ए है वो बॉटम पॉइंट है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज अ 45 एंड 60, यानी कि यहाँ पे कोई भी जगह पे, यहाँ पे सपोज कि हम खड़े हैं, यहाँ पे डी पॉइंट लेते हैं, तो डी पॉइंट है वो बिल्डिंग से कितना बीडी डिस्टेंस तक हमने रखा है, और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ओके तो यहाँ से वो जो इस तरह से ट्राइंगल बनेगा हमारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेट ए सी बी द टावर on building and A be the bottom point and C be the top point of tower and D is the point where observer C, observer यहाँ पे D point से वो देख रहा है, तो जब यहाँ पे angle of elevation का है कि जब bottom पे देख रहा है तब angle of elevation कितना है 45 degree है, कितना given है 45 degree, एंड जब टॉप पर देख रहा है यानी कि टॉप पर जब देख रहा है तब एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे जब टॉप पर देखेगा तब एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ऐसा हमें गिवन है, ओके अब तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी के लिए यहाँ पे बीडी डिस्टेंस है वो मेजरमेंट कर लेते हैं, बीडी डिस्टेंस कितना है क्योंकि हम एसी बाद में मेजर करेंगे, तो बीडी इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी के अंदर क्या होगा 10 45 इज इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट साइड ए बी और एडजेसेंट साइड क्या है बी डी, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ए बी कितना है 20 मीटर है, बी डी कितना है बी डी हमें फाइंड आउट करना है, बी डी यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 20 मीटर, ओके अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल सी बी डी के लिए क्या सी बी डी के लिए क्या होगा बी सी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस ए सी होगा, और ए सी हमें क्या ले लेते हैं ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर है वो उसको हम एच ले रहे हैं, ओके यहाँ पे ए सी बी द हाइट ए सी बी द टावर एंड ए सी की वैल्यू क्या है हम एच ले रहे हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, फाइनली क्या कहना हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, तो साइन सॉरी टेन
1060 इज इक्वल टू कितना होगा, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड क्या है बीसी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है बीडी, यहाँ पे 1060 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, ओके यहाँ पे बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्या होगा एच प्लस ए बी, ए बी यानी कि क्या है 20 है, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। देन यहाँ पे बी डी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 20 मिली है, तो यहाँ पे अब करो कि यहाँ पे 20 इस साइड जाने दोगे तो क्या होगा 20 रूट थ्री इज इक्वल टू एच प्लस 20 इस साइड प्लस में सामने की साइड एक तो माइनस में हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 20 रूट थ्री माइनस 20, 20 रूट थ्री माइनस 20 करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे अब इसका 20 यानी कि अंडर रूट थ्री की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू कितना 1.73, तो 20 इंटू 1.73 करोगे तो 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या था 17 का कितना होता है 34.6 होगा, 34.6 माइनस 20 माइनस 20 तो आंसर कितना मिलेगा 34.6 माइनस 20 करोगे तो 14.6 मीटर, यहाँ पे 342 होता है तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा तो 14.64 मीटर, ओके ये हमारे हाइट ऑफ द पोल मिले, हाइट ऑफ द टावर मिले, सो हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर, ओके अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू इज अ 1.6 मीटर टॉल एंड स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज अ 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज अ 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल यानी कि कोई भी क्या है जो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो स्टैचू होता है तो वो क्या कोई भी नीचे उसने ओटला जैसा बना हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको पेडेस्टल कहते हैं, तो यहाँ पे जो पेडेस्टल है और सपोज कि ये पेडेस्टल लेते उसकी ए बी हाइट ले लेते हैं और उसके ऊपर जो स्टैचू है वो सी, ए सी है वो क्या है हाइट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू की हाइट कितनी हमें गिवन है 1.6 मीटर गिवन है, और यहाँ पे सामने जो हम खड़े है वहां से जो ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड के पॉइंट से यहाँ पे जो जो स्टैचू का टॉप पॉइंट है जो उसके साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री बनाता है, एंड जो यहाँ पे ए पॉइंट यानी कि पेडेस्टल के टॉप पॉइंट पे या तो जो स्टैचू का लेग है वहां पे कितना एंगल बनाता है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके यहाँ पे 45 है, हमें फाइंड आउट क्या करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सपोज हम हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या एक्स कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे ए सी ए बी लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, बी द हाइट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जो पेडेस्टल की हाइट है वो x मीटर हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो स्टैचू है ए सी क्या सी ए सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, क्या स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, अब यहाँ पे हम सिंपली जो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी यहाँ पे पॉइंट को डी पॉइंट लेते हैं, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा
1045 लेते हैं, 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी होगा। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, एच है, और बी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी डी इंटू 1, यानी कि बी डी इज इक्वल टू एच मीटर। ओके, अब यहाँ पे इन राइट एंगल एंगल ट्राइंगल बी सी सी बी डी के अंदर, क्या सी बी डी के अंदर हम देखते हैं, तो 1060 इज इक्वल टू, 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, बी सी अपॉन बी डी। और बी सी इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा कि ए सी प्लस ए बी। तो ए सी की वैल्यू हमने क्या ली है, हाइट हमने यहाँ पे एक्स एक्स लिया है ना हम एक्स, तो यहाँ पे की भी क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स मीटर। ओके, तो 1.6 प्लस एक्स, ओके मीटर यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब 1.6 प्लस एक्स, और बी डी की वैल्यू भी हमें एक्स मिली है, और 1060 यानी कि कितना होता है, रूट थ्री होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड आएगा तो रूट थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस रूट सॉरी थ्री एक्स है, क्या है एक्स, एक्स इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ओके, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सामने की साइड आएगा तो डिनोमीटर में जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसका जो LCM जो हम रेशनलाइजेशन करते थे उसी तरह यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या है, रूट थ्री है, तो यहाँ पे रूट थ्री माइनस है तो क्या प्लस के साथ रेशनलाइज करते हैं, रूट थ्री प्लस 1, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 1.6 रूट थ्री प्लस 1 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट थ्री माइनस 1, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो थ्री माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 रूट थ्री प्लस 1, क्या ये हमारा आंसर होगा। जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें कहा है, वो पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी, नहीं होगी, हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 रूट थ्री प्लस 1 मीटर। ओके, अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एट क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी अभी कहाँ तक, 16 क्वेश्चन तक है, 8 क्वेश्चन इस पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में हम 8 क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आपको और कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, और यहाँ पे आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसका जो बोर्ड के एग्जाम में रहे उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।